गुड नाइट दादी। बड़ा ना फैमिली फैमिली टाइप फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब जाकर हमारा फैमिली पूरा हुआ है। फैमिली की बात की तो देखो बाहर वाले भी आ गए। रेक्स छोड़ो उसे। समय एक काम करोगी? जी दादी। शिवराज के कमरे में जाकर ये चार्जर दे आओगी? जी दादी अभी दे आती। अब वैसे हम युवराज भैया के कमरे में ही जा रहे थे, ये चार्जर हम उन्हें दे देंगे। ठीक है। बाहर वाले कब से घर के मामले में दखल देने लगे? और तुम हर समय ये अपना मुंह उठाए हुए क्यों युवराज के आसपास मंडराते रहते हो? जाओ यहाँ से, जाओ सम्या, तुम दे आओ। जी दादी। माँ जी क्या हुआ? अपने मायके वालों को समझा लो, फोकट की रोटी खाकर रहना है तो रहे, हमारे मामले में दखल ना दे। जी माँ जी। और हाँ, कल हमने शांति पाठ रखवाया है, तुम्हारी और लता की सेहत के लिए। पर सुहानी तो यहाँ नहीं है माँ जी। प्रतिमा, क्या उसकी बीमार माँ को छोड़कर उसे यहाँ बुला ले? और रेक्समैन का घर के नौकरों से ढंग से काम करवाना है तुम, ठीक है? दादी की बात का बुरा मत मानना। अरे नहीं मौसी, बहुत मोटी चमड़ी हमरी, ये सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता, और वैसे भी दादी के प्रवचन की आदत हुई गई हमें। पर मौसी एक बात समझ नहीं आई हमें, ये चार्जर वाली बात पे दादी इतना काहे भड़की? मतलब चार्जर अगर सौम्या दे या हम, बात तो एक ही है ना। हाँ शरद, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, माँ जी के दिमाग में चल क्या रहा है? और सुहानी भाभी वहां रुकने की क्या जरूरत थी? शरद उसकी माँ की तबीयत खराब है। हाँ ठीक है, पर हमें ना कुछ सही नहीं लग रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि दादी के मन में कुछ चल रहा है, सोच रहे हैं कि युवराज भैया के पास जाकर सारे डाउट क्लियर कर लें एक ही बार में। अरे नहीं नहीं शरद, वो तो पहले से ही सुहानी से बहुत गुस्सा है। अरे तो क्या करें, इस सौम्या नाम की आफत की पूरी आ गई है घर में, इनका बंदोबस्त करें, जाए के उसके पतिदेव को कहे कि आके इनको लेके जाए। नहीं शरद, सुहानी को इस बात से बहुत बुरा लगेगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे सुहानी के साथ बुरा हो या उसे खुद बुरा लगे। अरे कृष्णा भाई साहब है कहाँ, उन्हें अपनी पत्नी को लेके कोई चिंता कोई फिक्र नहीं हो रही का? युवराज रिश्ता मैं तुम्हारे साथ जोड़ना चाहता हूं, वो मैं सुहानी के साथ क्यों जोड़ू? तुम्हारा चार्जर वापस करना था। थैंक यू। तुम्हारी शादी की पिक्चर पे नजर गई तो वो देखने लगी। वक्त कैसे बदल जाता है ना, और वक्त के साथ हालात भी।
चाहिए, यू नीड एनीथिंग? नहीं, वो दादी ने चार्जर भिजवाया था तो वही। वैसे सुहानी नहीं है तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए? नो, आई एम फाइन, बट पूछने के लिए थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत कुछ बदल चुका है। हाँ सुहानी, कैसी है आंटी की तबीयत अब? डॉक्टर ने क्या कहा? यार वो बेफिजूल की बस चिंता करती रहती है और कुछ नहीं, ठीक है वो। अच्छा तो ये बता, वहाँ सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। और कल दादी ने प्रतिमा आंटी और लता आंटी की तबीयत के लिए शांति पाठ पूजा भी रखवाई है। सच में? यार दादी कितनी अच्छी है ना, और हमने मेनका भाभी के झूठ में फंस के कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन पर। कोई बात नहीं, आई एम श्योर दादी अब तक सब भूल चुकी होंगी, अब तू भी भूल जा। हाँ ठीक है, पर युवराज नहीं जल्दी भूलने वाले, बहुत गुस्से में है वो। अच्छा सोमू, तुम ना उसका ख्याल रखना। हाँ मैं हूँ ना। थैंक यू सोमू, तुझे पता है तुझे अपने घर में लाना हमारा सबसे अच्छा फैसला था। बस हालात थोड़े ठीक होते तो और भी मजा आता। कोई बात नहीं, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, फिर हम बहुत मजे करेंगे। बाय बाय। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।